वो छोटे दिल पे हैं भैया। एक रिएक्शन पहले मैं डालूंगा, जो मुझे बंदा ना कमाल ही लगा, बंदे ने 3 सेकंड की वीडियो भेजी है भाई। डेट क्या आज? भाई आज से डेट भी बताएगा। अच्छा गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज 16th of January एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 9 o'clock एंड भाई 9 बजे सुबह कोहरा इतना तगड़ा हो रखा है। एंड यार मैंने एक चीज देख ली है, एक बार एक रूटीन बन जाए ना उसको फॉलो करना इतना आसान हो जाता है। बस एक हमारा रेगुलर व्लॉगिंग का रूटीन नहीं बन रहा, बिकॉज डाइट का रूटीन बन चुका है। भाई ने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब पूरा टोटल जीरो। मतलब जो लास्ट मैंने चीट मील करी थी वो वही करी थी जो मसाला डोसा खाया था, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी चीट मील नहीं करी। और अभी मेरे सामने का व्यू दिखा देता हूं आप लोगों को। तो फिलहाल कुछ ऐसा सामने का व्यू हो रहा है हमारा, एकदम कोहरा ही कोहरा है। ये छोटा मोटा कोहरा भाई की डेडिकेशन को क्या रोकेगा? बस भाई की व्लॉगिंग की डेडिकेशन कुछ तो रोक रही है। मतलब यार एक चीज बताऊं, मैं ये बात कर भी चुका हूं कि मैं ना घर बैठे बैठे कॉन्टेंट नहीं बना सकता, एंड बाहर जाना ये ट्रांसफॉर्मेशन कारण मेरा हो नहीं पा रहा। डैड भी बोल रहे थे तो बहुत टाइम से कहीं नहीं लेके गया हमें, और तेरे ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में हमें घर नहीं बैठना। तो मैंने कहा ठीक है कर्नल साहब, भाई करेगा खुद जुगाड़। तो इसलिए अभी हम वर्कआउट करेंगे, अपना कार्डियो खत्म करेंगे 40 मिनट का, एंड देन पूरी प्लानिंग आज करेंगे, सो दैट हम भी थोड़ा ट्रैवल कर सकते, दो पल हम भी जी ले जिंदगी के। गाड़ी हमने खरीदी है, 8000 किलोमीटर चली है एक साल में। हमारी प्लानिंग थी हर महीने कम से कम 2-3 हजार किलोमीटर चले। ठीक है सह लेंगे थोड़ा। ना करो, ओए कशिश, मैंने सोच लिया फोन निकाल के जा, जो मिलेगा वो। अब क्या हुआ? पंगे मत दे तू, और आ जा के धो वो देख वहां पे क्या गंदा सैनिटाइजिंग। क्या आदमी है ये? मैं ऐसे ही ब्लॉग कर लेना, मैं सच्ची कैमरा निकाल ले, कैमरा के चक्कर में ना ब्लॉग नहीं बनता। ये फोन निकाल, चाय बनगी चाय, कैमरा के चक्कर में ब्लॉग बनता। हाँ हाँ कैमरा के चक्कर, कैमरा बड़ा भारी है ना उठाना पड़ता है। तुम ये कहो यू कैन डू वन थिंग एट अ टाइम एंड नाउ डेज यू डू जीपी, ओके? आजकल बैडमिंटन चल रहा है, आपको बीच में आने के लिए बोला, आपको किसी ने बोला था? मैं ये पता नहीं एक्सीडेंट वीडियो कितनी बार देख चुका, एंड साथ के साथ मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक कमेंट्स आए हैं, बहुत ही लोगों के मिक्स रिएक्शंस आए हैं, काफी लोगों ने टिप्पणियां भी दी कि ये हो सकता था वो हो सकता था। एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ये है 2018 की बात। तो जो मैंने अपनी पहली सुपर बाइक ली थी वो 2018 में ली थी, एंड उसके 2-3 महीने बाद ही इंसिडेंट हुआ था, मतलब सितंबर था दिसंबर में इंसिडेंट हुआ है। तो आई वॉज अ लिटिल इमेच्योर एंड एमेच्योर राइडर था, तो इसलिए मैंने सोचा 2-3 चीजें एड्रेस करता हूं, बिकॉज ये मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी करी जब एक्सीडेंट हुआ था। पहली बात तो जो लोग बोल रहे थे कि बीच में जगह थी बाइक निकालने की, मेरी बात सुनो, 200 की स्पीड से जब ब्रेक लग रही होती है ना तो वहां पे ये सब चीजें नहीं चलती है इफ यू आर अ बिगिनर राइडर। हां थोड़े बहुत प्रो हो तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते थे, मतलब उसका 10-8% चांस था, बट मेन सीन ये था कि बाइक थी नॉन एबीएस। आई थिंक काफी लोगों ने कमेंट भी करते कि नॉन एबीएस है, बिकॉज अगर आप वीडियो देखोगे पीछे से ना कट 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 आवाज आ रही है, तो वहां से वो ब्रेक लग रही थी, लास्ट मिनट ब्रेक नहीं लगी है, तो वो ब्रेक मैं पीछे से लगाता आ रहा था, बट सिंस एबीएस नहीं था तो जो टायर था वो पूरा लॉक हो चुका था। हां मैं इंजन ब्रेकिंग यूज कर सकता था, वो मैंने नहीं करा, दैट वॉज अ वेरी एमेच्योर मूव, बट चांसेस फिर भी कम थे कि बाइक रुक जाती। थैंक गॉड लास्ट मैंने स्किड करके गिरा दी, क्योंकि अगर मैं स्किड नहीं करता, वो मूवीज में होता है ना कि बंदा शीशे के थ्रू अंदर जा रहा था, तो ऐसे मैं हेलमेट के साथ जा रहा था, बट देन सिंस आई स्किडेड आई
गॉड सेव. तो ऐसा कुछ हमारा 2018 का न्यू ईयर गया था. बट देन 2021 इज मोर खतरनाक एंड मेरा 2021 थोड़ा लेट शुरू है मुझे पता है. बट मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक मिनट रुको. तो वैसे तो मैंने सोचा था कि सेकंड या थर्ड जनवरी को आप लोगों को ये चीज बता दूंगा, बट देन आज 15 या 16 हो गई है. एक चीज बताना चाहूंगा, एक जादुई चीज मतलब जिससे ना पूरा साल खतरनाक जाता है. पिछला साल मेरा इतना अच्छा गया था, ठीक है कोविड था, बट देन उसके अलावा समहाउ वी मैनेज्ड एंड आई ऑल्सो मैनेज्ड एंड आई डिड प्रीटी गुड. एंड वो सिर्फ इस एक कारण था, बिकॉज हमने ना वो शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल सुनी है ना, ये जो कॉपी होती है ना, अगर आप लोग भी शुरू करोगे ना आपकी वो शाकालाका बूम बूम वाली कॉपी बन सकती है. क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें भाई लिखता था कि वो चीजें सच हो जाती थी. एंड ये बहुत लोगों के साथ होता, बहुत लोग अपने सक्सेस की बातें शेयर करते रहा उसमें ये सब चीजें होती है. तो ये थी मेरी 2021 की. इसमें पहले हमने लिखा होता, मैं छुपा रही कोच करो पढ़ ले रहा, गोल्स लिखे हुए थे 2020 के. देन हमने लिखा था उस गोल्स को कैसे अचीव करना है, तो हाउ टू लिखा हुआ था. देन सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे. देन उसके बाद हमने पूरे अपने ना मंथ टू मंथ चीजें लिखी थी. तो ये हमारी 2020 की डायरी खत्म हो गई है, मतलब खत्म नहीं हुई, काफी पेजेस बचे. बट मैं हर बार यही करता हूँ कि जैसे कोई पुराना साल खत्म होता है, हम अगले साल के लिए एक नई डायरी लेते हैं. एंड वो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ. तो गाइस जो लोग ये चीज नहीं कर रहे ना, ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैंने 2018 से पहले ये कभी नहीं करा था, बट देन 2018 से मैंने शुरू करा एंड मैंने जो चेंजेस नोटिस करे. हाँ, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये 2021 की डायरी है, इसमें लिखा हुआ है थिंक पॉजिटिवली, एक्सरसाइज डेली भाई कर रहा है, ईट हेल्दी भाई कर रहा है, वर्क हार्ड थोड़ा हम डामाडोल चल रहे हैं, स्टे स्ट्रॉन्ग भाई बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडा है वो वाला, स्ट्रॉन्ग नहीं वैसे मेंटली भी, वरी लेस वो तो हम टेंशन लेते ही नहीं, डांस मोर हमें आता नहीं, एंड देन लव ऑफन, ये तो दुख वाली बात हो, प्यार हमारी जिंदगी में है नहीं. एंड लास्ट चीज है बी हैप्पी, वो तो तुम्हें भाई की खुशी से पता चली जाता है. तो ये हमारी 2021 की डायरी है. तो इसमें आज हम अभी बैठ के अपने गोल्स भरेंगे, बिकॉज कर्नल साहब के सामने लड़ाई झगड़ा कर लिया जिम से हम हुआ है. अपने पॉइंट्स लिखेंगे, 2021 के गोल्स लिखेंगे, बताएंगे. एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग चाहते हो मैं आपको अपने 2020 के गोल्स दिखाऊं और उसमें मैंने हाउ टू क्या लिखा हुआ था, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि भाई ने क्या क्या अचीव करा और थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी, वो जरूरी. यार मैं सोचता हूं ये बाबा साहब का ज्ञान कभी कभी ज्यादा नहीं होता, आप लोग बोर हो जाते हैं तो या नहीं होते मुझे बता दो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे ऐसा ज्ञान सिर्फ इंस्टाग्राम पे कहीं और डालने की. बट ट्रस्ट मी ये ज्ञान नहीं है, अगर इसको फॉलो करके देखोगे ना जिंदगी बदल जाएगी. फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, इस्तेमाल कर लो. अब क्यों छुपा रहे हो, ये बंदे ऐसे होते हैं. तो ये बंदा मुझे कहता सर बिरयानी खाओगे, कहता शिट सर आप तो खा ही नहीं सकते, खुद ही बोल के. और पहले तो मेरे से ऑर्डर करवाई कल परसों. कब करवाई, कल या परसों नहीं करवाई, नहीं तो मैं जोमैटो को ऑर्डर दिखा दूंगा, एक ही ऑर्डर हुआ है बाहर से. कर दी थी, कहता सर आप तो खा नहीं सकते, एक काम करो हमारे लिए ऑर्डर कर दो. तो भाई साहब ने कल बिरयानी खाई है, आज भी बिरयानी छुपा रहे हैं. बिरयानी ये ऑमलेट होता है, इसमें ऑमलेट है. ऑमलेट लेके आया ना, हाँ अभी भिजवाया है बिरयानी के लिए. और भाई चिढ़ा रहे हैं, तो कोई ना अपना टाइम आएगा 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 ना. चैनल भी चैनल पे शाउट आउट चाहिए नीचे है. अरे मतलब बिरयानी नहीं खाओगे, तो भाई अभी का मेरा सीन ऐसा है कि हमारा शोल्डर खत्म हो गया, शोल्डर एब्स और कार्डियो. मुझे पता आप लोग बोर हो गए सुन सुन के, मैं भी बोर हो गया बोल बोल के. बट क्या करें, कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती. इतनी तुम्हारी बॉडी नहीं है, ठीक है हमारी ज्यादा अच्छी बनवाई उसने, मेरी मेहनत मेरा जुनून. ओ तुम्हारा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता. एक डायलॉग तो ढंग से बोल लो ट्रांसफॉर्मर. तो भाई बस अभी घर चलेंगे, मुझे आप लोगों के रिएक्शंस भी आप लोगों को ब्लॉग में दिखाने, मतलब जिन लोगों ने मेल करे, बहुत सारे ईमेल आए हैं मैंने अभी तक चेक नहीं करा. देखो भाई ट्रांसफॉर्मेशन ना एक काइंड ऑफ तपस्या होती है, जितनी इनकी है उतनी मेरी है. बिरयानी की स्मेल यहाँ तक आ रही है मुझे अभी भी, तपस्या. तो जो मेरे पिछले 40 दिन का टॉर्चर चल रहा है ना, ये लोगों ने टॉर्चर उतना ही बढ़ाया हुआ है. मतलब पेरेंट्स होते हैं सपोर्ट करते हैं कि बेटा तू डाइट कर, हम भी तेरे साथ बाहर का खाना नहीं खाएंगे. पिछले हफ्ते क्या क्या मंगाया तूने बेटा जी, जब तुम एक दिन थे, बताने दो. हाँ. एक दिन नूडल्स और हनी चिली पोटैटो, उसके अगले दिन पिज्जा, उसके अगले दिन मैकडॉनल्ड्स. मतलब जब भी मैं जिम से वापस आ रहा हूँ कुछ ना कुछ खाना मिल रहा है. और मैं वही अपना जब तू रोज खाता था तब, तब क्या, तब आपको मना करा था किसने खाने से? अभी हमने भी आपको मना नहीं किया, प्लीज खा. तो भाई अभी बिरयानी मंगा रखी, वैसे मैं बिरयानी खा सकता हूँ, इसमें ऑयल कम है. बट देन अगर रवि के व्लॉग देख रहा होगा आपके लिए हिस्सा नहीं है, पर आपके सुबह की चोट तो ठीक है. बैठ जाओ, तुम्हारी पापा कहते हैं मेरी बाजू दुख रही है सुबह. अच्छा दुख रही है? नहीं दुख रही है आपकी बाजू, सवाल ही पता नहीं होता. पापा का नील कट ऐसी चोट है. हमने एकेडमी में हमारी बहुत मुक्के खाए, ट्रेनर मारते हैं, ये चोटें है. ट्रेनर नहीं है, जो तेरी माँ ने चोटें दी उनका क्या? माँ ने पापा को कोनी मारी थी, एक कोनी मारना फिर से. वो चोटें दिल पे हैं भैया, कहते वो चोटें दिल पे. तो भाई मेरा वैसे ही मन कर नहीं रहा, तो मैं नहाने जाऊंगा. गर्लफ्रेंड वाली नहीं है, गंदी वाली चोटें हैं, प्यार वाली. गर्लफ्रेंड वाली भी बता. अच्छा बहुत गंदा जोक था. प्लान अभी कुछ ऐसा है कि मैं जाऊंगा नहाने, प्लान अभी कुछ ऐसा है कि तुम नहाओ हम खाएंगे. तो प्लीज वो कच्चा चिकन कच्ची फिश जो भी है
वो आती है, ठीक है। तो अब 40 दिन हो गए, डोंट लुक टुवर्ड्स दिस साइड प्लीज। हां 40 डेज हो गए हैं, तो अब तो मेरे से वो घर वाला चिकन और फिश और वो सब नहीं खाया जा रहा। इसका अरोमा इज आल्सो वेरी डेंजरस। बस करो यार, इतना कंट्रोल भी नहीं है, पता चला मैं यही खाने लग जाऊं। तो हम भाई नहा के फिर मिलते हैं, बिकॉज़ मैंने काफी सारे रिएक्शन वीडियोस देखी आप लोगों की, तो मुझे एक प्रॉपर एक आप लोगों को भी दिखाने कितने सारे मेल्स आए, खुद भी सारे मेल्स चेक करने, एंड देन आज रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो भाई इतने ज्यादा रिएक्शन वीडियोस आए ना आप लोगों के, इनफैक्ट कल रात को ही मैंने आधे रिएक्शंस देखे, बट देन ये सुबह तक और रिएक्शंस आ चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं अभी देखने वाला हूं एंड इस व्लॉग के बाद आपको देखने को मिलेंगे। बट बेस्ट पार्ट ये है, कुछ लोगों ने ना बहुत समझदारी से रिएक्शन दिए, मतलब मैं किसी को बोलना चाहूंगा, इनफैक्ट मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डालने वाला जिसमें मैं किसी का मजाक उड़ाऊं, बिकॉज कुछ लोगों ने भाई थोड़ा देख लेते, बस अगर थोड़ा सा तुम आवाज कर देते कि क्या चल रहा है, अब तुमने हेडफोन लगा रखे तुम्हारे ऐसे साइलेंट साइलेंट एक्सप्रेशन आ रहे, तो हमें नहीं पता चल रहा था कौन से टाइम पे कौन सी चीज हो रही है। बट उसके अलावा मैंने 4-5 जो मुझे रिएक्शन अच्छे लगे मैंने कहा डाल देता हूं, एंड आई एम सॉरी जिन लोगों के मैं रिएक्शन नहीं डाल पाया। एक रिएक्शन पहले मैं डालूंगा जो मुझे बंदा ना कमाल ही लगा, बंदे ने 3 सेकंड की वीडियो भेजी है, भाई कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, बस प्यार है एंड मुझे अच्छा लगा वीडियो देख के, थोड़ी सी लंबी बनाता तो ज्यादा अच्छा लगता, तो 3 सेकंड की वीडियो पहले ये वीडियो देखो। तो यही था भाई का रिएक्शन, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए थे। तो गाइस नेक्स्ट टाइम रिएक्शन शूट करते ना, एक तो लैंडस्केप में शूट करना एंड साथ के थोड़ा और इंटरेस्ट के साथ एंड थोड़ा ऑडियो के साथ, ताकि हमें पता चल जाए आप किस चीज पर रिएक्ट, एंड साथ के इससे पहले आप रिएक्शन वीडियोस देखो मैं ये वाला व्लॉग करना चाहूंगा। एंड आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग्स लाइफ। आज से नेक्स्ट वीडियो देखते हैं भाई क्या होता है करण सहगल के साथ। अभी हवाबाजी में है, पावर पावर अभी स्लो कर ली। कर्नल साहब मैं तो कह रहा हूँ बाइक वाइक कैंसिल कराओ इसकी, कैंसिल भाई कैंसिल, बाइक वाइक रहने दो आंटी, कैंसिल करो बाइक, मैं तो कह रहा हूँ मर्सिडीज छीन लो। ओ भाई क्या करके मानोगे भाई सैगल साहब। ओ भैंस की भाई गाड़ी के अंदर घुस गया क्या? अबे ऐड हट भाई, ये क्या गाड़ी के अंदर घुस गया क्या? रिकॉर्ड तो कर लिया हमने, पर ऐसा कोई उम्मीद नहीं है मेरे को 5-6 दिन पहले आ जाएगा वीडियो।